to 6 days later. To 6 days later. तो फिर से गाइस आर वेलकम बैक टू चैनल। एंड जैसे कि आप लोग बोलते ही है कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं आती है, बहुत दिन हो चुके हैं। तो जैसे कि अभी शुरुआत हो चुकी है अपनी नई वीडियो की और एक सफ़र की। तो यहाँ से मैं मुंबई से अभी जा रहा हूँ नवापुर। तो डायरेक्टली नवापुर में अभी सफ़र में क्या क्या होता है बाकी सब दिखाऊँगा। अभी ना मुझे क्या लग रहा है कि हम लोग अभी बोरीवली स्टेशन पे नहीं रुके, पहले यहाँ पे एक जगह रुके और अभी यहाँ से निकल के फिर से हम लोग मतलब यहाँ से निकल के अभी बोरीवली स्टेशन के पास पहुँचेंगे। तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अलग अलग कि देखते हैं एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। एंड एक बात बोलना भूल गया कि आप लोगों ने जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करने की है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज सेट कर देना। वीडियो भले ही नहीं वीडियो भले ही एक हफ्ता या दो हफ्ता नहीं आए बट आएगी वीडियो। सोच लेना कि अभी आएगी। मैं चैनल अभी मेंटेन रखने वाला हूँ, हो गया बस बहुत दिनों का गैप, मतलब एक साल का गैप तो नहीं हुआ बट बहुत दिनों का तो हो चुका है, दिनों का भी नहीं महीनों का हो चुका है। तो फिर से कम बैक करने वाला हूँ और इस बार मैनेज करना है सभी के सभी, मतलब जितने भी चैनल्स हैं वो सभी मैनेज करने जैसे वैसे करके मुझे। तो फिलहाल के लिए ये चैनल पे कंटेंट आएगा, मैं डेट बता दूंगा बाद में कभी भी कि किस तारीख को आएगा या किस डेट यार क्या मालूम किस वार को आएगा। तो बस देखते हैं। एंड यार बोर हो गया था मैं बहुत दिन, मतलब 1 मंथ बोर हो गया था तो इसकी वजह से मैं वापस नहीं इसकी वजह से नहीं वापस जा रहा हूँ। तो और एक सरप्राइज़ है तो वो बाद में मैं बताऊँगा कब, मतलब आ रहा है सरप्राइज़ एक, तो सरप्राइज़ के लिए भी रेडी होना पड़ेगा मुझे। लगभग बहुत सरप्राइज़ के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, शूट कैसे करना है वगैरह देखते हैं।
आई थिंक गाइस यार क्या हुआ कि मैं बदलता हूँ कि मैंने नवापुर में आकर वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी में था और बस वगैरह तो छूट गई थी मेरी पहले से। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और दूसरी जगह, उधर से भी अलग जगह पे गया और फिर रुका मैं। फिर उधर से थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से मैं निकल गया और मैं यहाँ पर मतलब वहाँ से निकल के अभी उमरपाटा में आ चुका हूँ। एंड तो सफ़र के बारे में बताना भूल गया कि सफ़र में क्या क्या हुआ। तो नाइट को देखा जाए तो मेरा मतलब जो था मैं मतलब मेरे आसपास मतलब एक ही मतलब कोई तो आदमी बैठा था, बाकी मेरा तो पूरा खाली मतलब जो साइड के रहते ना सीट्स वगैरह खाली थे। और उसके बाद पालघर पहुँचे, उसके बाद फुल हो गए। फिर भी ऊपर वाला मतलब जो था ना मेरा मतलब मैं मिडल में था तो ऊपर वाला था वो नहीं था रिजर्वेशन ऐसा लगता है, बट क्या मालूम खाली था वो भी। एंड ऐसा तो हो गया। और उसके आगे जाने के बाद सूरत के इधर ट्रेन रुकती है ना, तो उस समय क्या हुआ कि रुक गई ट्रेन, बट साइड के आजू बाजू के डब्बे रहते ना उसमें से छोटे बच्चों के मतलब छोटे बच्चे थे ना तो चला गए, पूरा मेरा नींद उड़ा दिया था। तो जैसे वैसे करके वहीं पे टाइम पास किया मैंने और सो गया बाद में। उसके बाद उठ गया मैं जल्दी से, मतलब 5 बजे ही रेडी हो गया था, 5 बजे से या 6 बजे से मतलब 5 बजे से मैं रेडी हो गया था। तो देख टाइमिंग को देखते देखते आ रहा था ऐसे, और टाइमिंग को देखते देखते आकर नवापुर पे आकर रुक गया और उधर ही उतर गया। और उधर से मैंने तो कुछ भी नहीं शूट किया था, उससे पहले शूट किया था वो तो देख लिया होगा आपने, और बाकी का भी अभी देखा दो क्या होने वाला है बाकी सब। तो आगे बढ़ते इसके बाद। सर बस इतना ही सफ़र हो गया हमारा मुंबई से लगभग नवापुर तक तो आ गए। वैसे तो मैंने तो बता ही दिया था कि रिकॉर्ड नहीं की था कुछ भी। और उसके बाद हम लोगों ने मैंने थोड़े से मतलब शॉर्ट्स दिखाए कि बाकी उसके बाद ना गाइस हम लोग खा के पी के घर पे चले गए। बाकी तो ये सिनेमैटिक देख लेना। तो बस इतना ही इस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।